बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अगर सुधारनी है तो बच्चों के बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमें पक्के करने ही होते हैं। तो ऐसी एक कॉन्सेप्ट दिस और दैट, दीज एंड दोज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्कशीट्स कैसे बनाए और ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हम ले कि जिनसे हम बच्चे की ये स्किल और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनित। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो ये फर्स्ट वर्कशीट, इस वर्कशीट पे मैंने कोई पिक्चर पेस्ट नहीं की है ताकि मैं हर बार बच्चे को पिक्चर बदल के इसकी प्रैक्टिस करवा सकूं। जैसे फर्स्ट दिस इज ए, तो यहाँ पे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर एनिमल्स जो बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है उसे हमें लेके बच्चे की सबसे पहले हमें दिस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करानी है कि अभी हम बस सेंटेंस रीडिंग हमें बच्चों की करवानी है, क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। सो दुनित, रिपीट आफ्टर मी, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो ये प्रैक्टिस कराते वक्त ए और एन ये दोनों ही आर्टिकल्स हमें यूज करने हैं। आगे हमें ये समझाना है कि दैट हम ऐसे चीजों के लिए यूज करते हैं जिन्हें हमें पॉइंट आउट करना है लेकिन वो हमसे दूर है। तो ये पास या दूर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एरोज बनाए हैं। जैसे पास होगा तो उसके लिए वन एरो, और अगर वो चीज़ दूर है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तीन एरो ड्रॉ किए हैं। और अभी भी हमें सेंटेंस रीडिंग ही बच्चे की करानी है। दैट इज ए बटरफ्लाई, दैट इज ए बटरफ्लाई, दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑरेंज। अब दिस एंड दैट का पार्ट टू। अब यहाँ पे हमें बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस भी करानी है। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पे दिस और दैट से रिलेटेड पिक्चर्स दिए हैं और बच्चों को वो पिक्चर आइडेंटिफाई करके स्पेलिंग्स लिखने हैं। और यहाँ पे हमें जो बच्चे को स्पेलिंग्स जो आते हैं जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है वही पिक्चर्स आप पहले उसको दीजिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और फिर आगे अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकती है। जैसे दिस इज ए पेंसिल, तो यहाँ पे बच्चे को ये पेंसिल आइडेंटिफाई करनी है और आंसर लिखना है। जैसे दिस की हो गई, उसके बाद दैट, और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इन पिक्चर्स में कोई एक पिक्चर्स ऐसा भी हमें देना है कि जो स्टार्ट होता है वॉवल से, यानी जिसके आगे हम एन ये लगाते हैं, दैट इज एन ऑरेंज। सो इस तरीके से ये वर्कशीट बच्चे से फिल करा के हमें लेनी है। वर्कशीट नंबर थ्री बेस्ट है क्वेश्चन पैटर्न से, यानी एग्जाम में बच्चों को दिस और दैट पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन पैटर्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ये वर्कशीट आपको बच्चे की डिटेल प्रैक्टिस कराने में हेल्प करने वाली है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट है क्वेश्चन पैटर्न की, यहाँ पे बच्चे को तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं पिक्चर आइडेंटिफाई करके वो करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करने के लिए। जैसे दिस इज ए, दिस इज ए फिश, और दिस इज ए फॉक्स, और दिस इज अ फ्लावर। तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और करेक्ट ऑप्शन को करेगा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस टू मैच द पिक्चर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पैटर्न में बच्चे को क्या करना होता है कि वो पिक्चर को आइडेंटिफाई करे और उस पिक्चर से रिलेटेड करेक्ट सेंटेंस को बच्चे को दोबारा लिखना होता है। दिस इज ए टॉप, नो, दिस इज एन अम्ब्रेला, सो यस दिस इज एन अम्ब्रेला। तो करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करके बच्चे को ये रीराइट करना है। सो दिस इज एन अम्ब्रेला। इसी तरीके से दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न होता है क्वेश्चन एंड आंसर, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चे को पिक्चर दी हुई होती है जो आइडेंटिफाई करनी है और फिर उस पिक्चर को बच्चे को लिखना है। तो अब यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट इज दिस, तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, दिस इज ए डॉग। इसी तरीके से व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑरेंज, तो बच्चे को
आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, और इसी में ही आगे डिफ़िकल्टी लेवल ये होती है कि बच्चे को बस क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे को उसे आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट स्पेलिंग लिखना है और कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। जैसे व्हाट इज़ दिस, तो सपोज अगर ऑरेंज है तो बच्चे को ये याद रखना है कि ऑरेंज के पहले हमें एन लगाना है, दिस इज़ एन ऑरेंज। और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, पिक्चर है, तो यहाँ पे बच्चे को ए लगाना आना चाहिए। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रैक्टिस हमें दिस की करानी है और इसके बाद हमें करानी है दैट की प्रैक्टिस। हमें पहले बच्चों की दिस और दैट की कॉन्सेप्ट क्लियर करानी है, उसी के बाद हमें आगे बढ़ना है दीज और दोज के। सो दिस और दीज में इतना ही फर्क है कि दिस हम यूज करते हैं जब एक ही ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट है तो दिस, और अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज। सो एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट हो गए तब हम यूज़ करेंगे दीज। जैसे व्हाट आर दीज, सो दीज आर पेंसिल। तो पहले हमें हमने सिंगुलर की प्रैक्टिस कराई थी, अब ये है प्यूरल की। तो इस एक कॉन्सेप्ट में आप बच्चे के ए एन सिंगुलर प्यूरल, तो इस तरीके से बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड पक्की करा सकते हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर कप्स। दीज होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोज, कोई चीज़ दूर है और उसे हमें पॉइंट आउट करना है, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दोज। व्हाट आर दोज, दोज आर कपकेक्स। इस तरीके से सो व्हाट आर दोज, तो यहाँ पे और एक और एक बात जो हमें याद रखनी है वो है आर। इसके पहले हमने लगाया था इज, जब दिस था तो इसके साथ जाता है इज, लेकिन जब एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तब हम लगाते हैं आर। तो ये भी बच्चों को हमें समझाना है। सो व्हाट आर दोज, दोज आर स्टार्स। आई होप ये वर्कशीट्स आपको बच्चे की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।